खुशी स्टूडियो के माध्यम से। अरे कारे तुम के कर अच्छा, अरे चाय गोए में खाओ इस शक्कर में खाओ अच्छा, ओ चाय घी में खाओ कर मनोज यादव जी और मुकेश यादव जी ग्राम टिगरी इनके द्वारा इंतजाम रखा। और जब खाने आए भरत यादव जी ओबरी मोहन हरवार पूर्व सरपंच इनके द्वारा 101 रुपया है। दो ही भक्त प्रेम इनके लाने बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब चिंता न करो, फिर से सरपंच जी को चुनाव आओ। दो ही चार दिन में देखो तुम तारीख भोगे हो रही है। ए राम दई कारे तुम आके कहबी जाए चाहे गोड़ में खाओ शक्कर में खाओ चाहे घी में खाओ करे लगे करे तुम आके कहबी जाए चाहे गोड़ में खाओ शक्कर में खाओ चाहे घी में खाओ करे लगे। और भैया पुष्पेंद्र यादव जी ओबरी इनके कर कमलों द्वारा 11 रुपया है। पुष्कर भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया का गीत था लकड़ी की प्रतिमाएं योगन योगन के माध्यम से। भैया हमारी कटफीस पे बोल रहे थे कि हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन भैया मैंने ये बताया है कि सत्यवती के गर्भ से एक कन्या का पलटन हुआ, वो एक मल्लाह की पत्नी के गर्भ में उस कन्या का पलटन हुआ। बात यह थी आप कह रहे गंद थी ऐसा था वैसा था, पहले आप उस पर विचार करिएगा कि वहां गीत में क्या लिखा था। हमने पुरुषों द्वारा पुत्र बताए, आप बता रहे हैं कि राजा दशरथ के शांता नाम की कन्या प्रकट भई। हाँ ये पता है कि शांता नाम की कन्या प्रकट भई, उत्पन्न भई राजा दशरथ के उदय से। तो भैया पप्पू भैया ये बताइए उस समय वो पुरुष थे या नारी थे? भैया बड़े जब उस समय राजा दशरथ नारी थे और उस कन्या की उत्पत्ति हुई तो वो नारी से मानी जाएगी या पुरुष से मानी जाएगी? आप ही बताएं। उस समय तो राजा दशरथ नारी थे, वो तो नारी से मानी जाएगी। आप कह रहे कि पुरुष से मानी जाएगी, क्या बात है? सुनिएगा अपना जवाब। माटी की प्रतिमा बनाई है अच्छा, वहां लकड़ी की प्रतिमा तो यहां माटी द्वारा प्रतिमाएं। वहां उन्होंने बताया नहीं कि कौन लकड़ी की प्रतिमा कौन थी, क्या नाम था क्या था, लेकिन यहां हम बता रहे हैं कि प्रतिमाएं कौन कौन थी। ए राम दई माटी की प्रतिमा बनाई गई सो सत्ययुग में सुनो त्रेता में सुनो द्वापर में सुनो कलयुग में सुनो मौसी। अच्छा हमारी चाची रूपा भाई यादव कनेरा, हीरा भाई यादव रजपुरा और मुन्नी भाई ओबरी इनके द्वारा कितने रुपया आए हैं? 500। अच्छा हाँ सही बात। हाँ जी हमारे चाचा दे सकते तो कैसे? हाँ हमारी मौसी है नहीं दे सकती का बिल्कुल दे, क्या बात है।
लेकिन फिर भी नारी शक्ति तो एक बड़ी शक्ति है। देखे आप त्रेता से लिंग खान मत ढूंढन गए, लिंग खान मत गए ते ढूंढन, लिंग खान मत गए ते ढूंढन। जब वहां पर श्वेत बंद रामेश्वर की स्थापना हो रही है तो वहाँ उनका पूजन होना था, लिंग का अभिषेक करना था, उनको पूजा करनी थी। तब हनुमान जी से कहा कि आप शिवलिंग ले आइएगा। हनुमान जी चले गए और जब लेट हो गए तब तक यहाँ भगवान श्री राम ने बालू उसी माटी द्वारा लिंग को स्थापित कर लिया। रविंद्र यादव जी ओबरी इनके द्वारा 51 रुपया। लिंग खान मत गए ते ढूंढन, लिंग खान मत गए ते ढूंढन, राम को ए राम खक्कर ने हाथो तो पूजन, राम खक्कर ने हाथो तो पूजन। और जब लेट हो गए हनुमान जी महाराज तब जो लो लिंग आए बना लाए देखो राम राघो राई त्रेता में सुनो, ये सत्ययुग में सुनो त्रेता में सुनो, द्वापर में सुनो कलयुग में सुनो, त्रेता में अब द्वापर में सुने आप। एक कल्ब माटी की, एक कल्ब माटी के बनाए दौड़ा चार, एक कल्ब माटी बनाए दौड़ा चार, एक कल्ब ने जब कहा गया कि निजी जाति वालों को यहाँ विद्या नहीं सिखाई जाती, तब एक कल्ब ने जब उन्होंने ठान लिया कि हमको सीखना है तो द्रोणाचार्य से ही विद्या सीखनी है, तो उन्होंने माटी की प्रतिमा बनाई और प्रत्यक्ष सामने लगी तो धनु विद्या उसी माटी की मूरत से सीखी अपने गुरु द्वारा। एक कल माटी के बना दौड़ा चार, जितेंद्र यादव जी ओबरी इनके द्वारा 51 रुपया है। जितेंद्र भैया के लाने बहुत बहुत धन्यवाद है। देवेंद्र भैया ओबरी इनके द्वारा भी 51 रुपया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। नाना विधि की विद्या तवाय माना बात है। और बालक की छोटी बहन निशा देवी पावन भूमि ओबरी इनके द्वारा भी 101 रुपया है। निशा के लाने हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। एक कल्ब धन धर बने बल दाई, ए सत्ययुग में सुनो रे त्रेता में सुनो, द्वापर में सुनो कलयुग में सुनो, जो बनाई है माटे के प्रतिमा बना लाई, सतयुग में सुनो त्रेता में सुनो, द्वापर में सुनो रे कलयुग में सुनो, बनाई है सतयुग में गुनो त्रेता में सुनो और द्वापर में सुनो और कलयुग में सुनो। अब सुनो कलयुग में, कलयुग में माटी की देवी माता, कलयुग में माटी की देवी माता, हर गांव में हर जगह जगह माटी की मूर्ति बनाई जाती देवी जी। एक कलयुग में माटी की देवी माता, कलयुग में माटी की देवी माता।
लखन यादव जी वो भी इनके द्वारा इंक्यावन रुपये। हमने हर गीत में हर लाइन पर अपनी मूरत बताई है कि मूरत कौन किसने बनाई है। भगवान राम ने शंकर जी का लिंग स्थापित किया, एकलव ने दोड़ा चार माटी के बनाए, और इस कलयुग में हर जगह गांव गांव में माटी की देवी माता बनाई जाती है। कलयुग में माटी की देवी माता, कलयुग में माटी की देवी माता, देवी माता हो देवी माता, देवी माता हो देवी माता, देवी माता हो देवी माता। यही बात पर हमारे आदरणीय परम सम्मानीय बड़े चाचा श्री ब्रजराज यादव जी यादव ढाबा कनेरा और हमारे जगदीश कक्का इनके कर कमलों द्वारा फिर से 501 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो हम लगे दानवीर कर्ण के रूप में चाचा ही हैं बैठे। हाँ हमारी मौसी हैं तो कमजोर हो गए। हाँ कहते तो उन लोग पैसा बढ़ा गए। हाँ सतयुग में माटी की सतयुग में कीने, सतयुग में माटी की ए सतयुग में प्रतिमा कीने बनाई, 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 माटी बा कौन कहाई, माटी की बा कौन कहाई। सतयुग में माटी की प्रतिमा किसने बनाई? ए भैया माटी की प्रतिमा बा कौन कहाई, माटी की प्रतिमा बा कौन कहाई, कौन कहाई हो कौन कहाई, कौन कहाई हो कौन कहाई। सासी सासी बता दियो तुम ध्यान लगाई, सतयुग में सुनो त्रेता में सुनो द्वापर में सुनो कलयुग में सुनो जो बनाई है, माटी की प्रतिमा बना दई रे सतयुग में सुनो त्रेता में सुनो द्वापर में सुनो कलयुग में सुनो जो बनाई है। क्या बात है। और संचालक महोदय जी अबे हमारा गीत नहीं भाव केवल जवाब है तो हाँ उनके गीत को अब हमारा गीत का है बड़े।